नहीं, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इस बच्चे को कैसे समझाऊं, किस बात की जिद है इसे मुझसे। बात बेबात शादी से मना करता है मुझे। अरे भाई कजिन्स हैं घर में, लड़कियां हैं, उनसे बात करो। नहीं, कमरा बंद। मतलब मुझसे भी इतनी कम बात हो रही है, अब मुझे बताइए मैं कैसे करूं सारे काम। एक गाड़ी आपके इस्तेमाल में, एक चांद के इस्तेमाल में, कौन लेकर जाए मुझे बाजार? हाँ, टैक्सियों में धक्के खाऊं मैं जाकर? एक मिनट, मेरी मानो तो इस सब में से शादी का लफ्ज निकाल दो। सिर्फ ये कहो कि मेहमानों का ख्याल रखे तो अपनी जिम्मेदारी पहचान लेगा वो। सायना के इंसान को कभी कभी एक लफ्ज से जिद आ जाती है। लो भला, ये कोई जिद है? ख्वाहिश है, पूरी नहीं करेंगे तो घर का सुकून बर्बाद कर देंगे ये। मतलब हर कोई शादी करता है, क्या तकलीफ है इसे आखिर? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जुल्म का पहाड़ तोड़ रही हूँ मैं। हाँ भाई, बाप का हाल जो देख लिया उसने, सोच समझ के तो फैसला करेगा ना। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि वो अब जो भी फैसला करेगा तो सोच के करेगा तुम्हारे मुताबिक। कुछ भी कहना है बस। शुक्रिया किस्मत का, मैं तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाया अभी तक। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप अपनी शादी पर ध्यान दें। यही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, जिस लड़की को देख के इजहार करना चाहता हूँ उसके सामने तो जुबान ही बंद हो जाती है। मसला जुबान का नहीं, सोच का है, और ये बातें तो आंखों से भी हो जाती हैं, इसके लिए लफ्जों को क्यों तकलीफ देना। मैं किचन में आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं, कोई किचन में आ जाए तो मुश्किल हो जाती है। कमाल करते हैं सितारा जी, कोई कह के दिल को जख्मी कर दिया आपने। संभालिए अपने दिल को चांद, कहीं लापता ना हो जाए। इस उम्र में अगर दिल लापता ना हो तो क्या फायदा।